जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद मुस्तफ़ा, लाहौर से हूँ मैं। अच्छा जी, मैं पहली बात तो था क्रिप्टो में, स्टार्ट किया क्रिप्टो से, वकारज़ा का स्टार्ट किया, फिर सोहेल अंजुम, देन आई वेंट टू जायद हुसैन। आपका, क्योंकि गूगल साहब जिंदाबाद हैं, बोला फॉरेक्स सीखनी है, तो आपका एक दफ़ा आके डेली फोरकास्ट का कि बदर डेली फोरकास्ट में, अगर तो देख लेते हैं, 12 मिनट की वीडियो थी, वो वीडियो देखी मैं, ठीक है लेवल्स नोट कर लें, देखिए क्या होता, क्या होगा, क्या नहीं होगा। नेक्स्ट डे वही प्रिसाइस लेवल्स आए, उधर आके मार्केट डाउन, अप डाउन, वही जिस भाई ने कहा था कि मार्केट आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मेरा थोड़ा सा जो थीस था कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग भी करता हूँ, जैसे कल नॉन फार्म की न्यूज़ आई है, गोल 2029 पे था, एकदम 100 पिप्स विद इन अ सेकेंड नीचे गिरा है, बाद में वो फिर ऊपर आया 26 से, फिर नीचे गया है। अब एक चीज़ आती है कि मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, कि भाई मैंने, चलो मेरे पास $500 का अकाउंट है, मैंने लगाना है, 50 पिप्स का लॉस लगा दिया। अब न्यूज़ के अंदर एट टाइम्स तो वो हिट हो ही जाता है, हमेशा हमेशा की तरह। उसका मैंने सर आर्य से पूछा था कि यार ये क्या नाम है, जब भी मैं करता हूँ तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसमें टेक्निकल्स काम करते कि नहीं करते, या फिर हो जाता है वाइपआउट हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, टेक्निकल्स तो काम करेंगे करेंगे, और वही हुआ, बाद में उसी लेवल पर आया, वहीं से रिट्रेसमेंट हुई, एंड देन इट वेंट डाउन टू इट्स लेवल्स, यानी कि आराम से कल अगर देखा जाए तो 400 पिप्स आपका 40 पिप्स मूव किया गोल्ड आराम से। तो एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि मल्टीपल एंट्रीज, जैसे कहा है मल्टीपल एंट्रीज़ के ऊपर जो मेरा तरीका है वो है कि 0.04 का लॉट साइज़ छोटा ही करता हूँ, यानी कह लें कंपाउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा 500 अकाउंट डेली का, मैंने 10 से 20% बनाना है, और उसी को डेली वॉलेट का 10 से 20% बनाते रहना है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो ग्रो कर जाएगा बेहतर थिंग, क्योंकि क्रिप्टो में यही करता था। फॉरेक्स का क्योंकि मुझे सिर्फ हुआ है 10 दिन आपको फॉलो करते हुए, दैट्स ऑल, ठीक है। इसलिए मैंने अभी तक कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया, तो मैं आपको देख ही रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ। मुझे एक बताएं, कोर्स से बेहतर क्या, तो कोर्स ही ज्वाइन करूँ या यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करते हुए भी एक एम्पल सक्सेस रेशो ले सकता हूँ इससे? अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी, मतलब आपके लेवल्स इतने कमाल होते हैं। हम दोनों ने कुछ ग्रुप ज्वाइन किए, उनकी ट्रेड्स लिटरली बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, बड़ी हिट पड़ी, लेकिन उसके बाद जो आपके लेवल्स, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने मुझे बताया, एंड आई वाज शॉक, मैंने कहा वाकई ये मार्केट तो टोटल मतलब आपको फॉलो करती है। अच्छा, एक सवाल ये था कि आपने जो लेवल्स बताए, ठीक है, आपकी फोरकास्ट के बाद वो एक दफ़ा आए, ठीक है, उसके बाद शाम को वो दोबारा से एंट्रीज आई, तो क्या हमें दोबारा भी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो सेकेंड टाइम भी जो है 100 पिप्स का प्रॉफिट बन रहा था, जो सुबह मैंने उठाया मैं शाम को भी उठा सकती थी, ठीक है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा मेरा ये था कि जैसे मेरा 500 का वॉलेट है हम दोनों का, अब हम क्या करते हैं कि शुरू में हम 0.05 का लॉट यूज़ करते थे, ठीक है, वहाँ पे SL हिट हुआ, ठीक है, मुझे लगता था कि यार ये हैवी लॉस हो रहा है, मुझे मल्टीपल एंट्रीज़ की जो स्ट्रैटेजी पता चली, जैसे आपने मेंशन किया, मैंने 0.05 को डिवाइड किया 5 एंट्रीज़ पे 0.01 ईच। अब उसमें सीन ये हो रहा है कि जी हमें मल्टीपल एंट्रीज़ लेने का चांस नहीं मिलता, लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि जी पहली 2 एंट्रीज़ लेनी, पहली वाली को 20 पिप्स पे बुक किया, सेकंड को 50 पिप्स पे किया, थर्ड को मैंने ब्रेक इवन करके स्टॉप लॉस मैंने उसको 100 पिप्स पे बुक किया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लेवल्स इतने मज़े के होते हैं ना कि वो वहाँ से एंट्री हुई और मैं वेट कर रही होती हूँ कि भाई मेरी सेकेंड एंट्री एग्जीक्यूट हो, वो होती नहीं है, और वो ऐसे मतलब कैंडल इतनी निकली है, वो ऊपर जाता जा रहा है, मुझे होता है कि यार इसका तो इतना तो प्रॉफिट था, अब मेरा दिल कह रहा होता है मैं दरमियान से एंट्री लूँ, ये मुझे रोक रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वही बात है ना कि आप नीचे से एंट्रीज लेते हो, लाइक $2 का आई थिंक डिफरेंस है, गोल्ड की बात कर रही हूँ, वो भी जितनी नीचे से एंट्रीज होती है वो एक अच्छी सी आपकी भी बन जाती है। अब मेजॉरिटी ट्रेड्स में ऐसा होता है कि मेरी बेचारी की सिर्फ एक एंट्री होती है 0.01 के लॉट पे, ऑब्वियसली कितना आपका प्रॉफिट बनेगा, 100 पिप्स और समथिंग। तो मुझे बताएं थोड़ा सा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, ऑब्वियसली मैं हर बंदे को फेसबुक पर देख रही होती हूँ कौन क्या कह रहा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो प्रॉफिट जोन के अंदर पे टक 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 एंट्रीज ओपन कर रहे होते हैं, मतलब उनकी 6-7 एंट्रीज प्रॉफिट जोन से भी निकल रही होती हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड करें इस हवाले से। बाकी अगैन जो इनका सवाल था कि न्यूज़ ट्रेडिंग में कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बाद में हम कहते हैं हाँ है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट तो वहीं आ गई, थोड़ा वेट कर लेता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच। ठीक है, पहली तो बात न्यूज़ ट्रेडिंग वाली है, असल में देखें जितनी भी मार्केट्स हैं ना, या जितना भी बिजनेस है, अब वो जो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर होता है या जो बड़ा कैपिटलिस्ट होता है ना, वो उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। मतलब आप कह लें कि ये जो कपड़े का पाकिस्तान का बड़ा ताजिर है,
आप कह लें कि जो सब्ज़ी मंडी होती है या जो फ्रूट मंडी होती है उसमें भी मैनिपुलेशन होती है। कैसे मैनिपुलेशन होती है कि वो मार्केट में र्यूमर्स चला देते हैं कि ये सेब जो है ना ये महंगा होने वाला है। अब होता क्या है कि जो रिटेलर होता है वो उसे बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेता है, वो पीछे से उसका रेट सस्ता कर देते हैं। ये जो मार्केट है ये भी बिल्कुल उन्हीं असूलों पे काम करती है। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन बेसिकली होती कैसे है, और ये बेसिकली मैनिपुलेशन होती है न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा, वो ये कि उनके पास डाटा होता है। ये हमारे जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, इनसे वो डाटा परचेज कर रहे होते हैं और एक बड़ी तादाद में परचेज कर रहे होते हैं। अब जब न्यूज़ आती है तो जब आम लोग भी कह रहे होते हैं कि यार हमें अंदर की खबर पता चल गई, तो वो जो बिलियनर्स हैं या जिनके पास बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विटी मौजूद है, वो अंदर की खबरें कैसे नहीं पता चला सकते? उनको सब खबरें अंदर की पहले से पता चल चुकी होती हैं, उनके पास डाटा भी आ चुका होता है कि रिटेलर कहाँ पर सेल करने में इंटरेस्टेड है, कहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड है, और न्यूज़ आने पर वो वही करते हैं। पहले वो उन एरियाज़ को टारगेट करते हैं, और जब रिटेलर निकल चुका होता है, जब रिटेलर बिल्कुल आप कह लें गंजा कर देते हैं उसे, फिर वो उसके बाद मूव करते हैं। तो इसलिए जो न्यूज़ के 10-15-20 मिनट होते हैं ना, वो तो टोटली गैम्बलिंग है, क्योंकि उसमें टोटली गैम्बलिंग होती है। एक तो अगर कोई गैम्बलिंग करके प्रॉफिट बना भी रहा है तो ये कभी कभार हो जाता है, लॉन्ग रन में नहीं। उसकी वजह ये है कि स्प्रेड्स उस वक्त ज़्यादा हो जाते हैं, उस वक्त आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे होते। गैम्बलिंग की तारीफ बेसिकली क्या है? गैम्बलिंग की तारीफ यही है कि आपके पास आपको पता ही ना हो कि डिसीजन मेकिंग आपने कैसे करनी है, आपके सामने कोई वाज़े एक स्ट्रेटजी, कोई लॉजिक ना हो। तो न्यूज़ के वक्त भी ऐसा होता है, एक मिनट में कौन सी लॉजिक मिल सकती है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक दो मिनट्स में ही न्यूज़, 10 मिनट्स में ही न्यूज़ ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इसलिए न्यूज़ के वक्त ट्रेडिंग अगर ना की जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरी जो आपकी बात है वो ये है कि ट्रेड्स को डिवाइड किया जाए या एक ट्रेड ली जाए। अब देखें, ये अगर ये काम कर रहे हैं ना उमर, तो मैंने इन्हें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई थी सिर्फ, ये चीज़ 2-3-4 साल 5 साल उस पर इन्होंने काम किया है। अब उसमें ये अचानक से सक्सेसफुल नहीं हो गए, इन्हें एक वक्त लगा है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि मैं ट्रेड्स को डिवाइड करूं, मैं एक ही ट्रेड लेता हूं। अब ये जो चीज़ है, अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है उस चीज़ का, तो वो उसका एक्सपर्ट होगा, तो आपको उससे सीखना चाहिए वो चीज़ के यार आपने कैसे इसको डिवेलप किया है, कैसे ये स्ट्रेटजी डिवेलप किया है, या कैसे अपने अंदर ये कंट्रोल कर पाते हैं। मैं अगर इस्लामाबाद से पहली दफ़ा लाहौर आ रहा हूँ, तो क्या ख्याल है आपका, 4 घंटे का सफ़र मैं कितनी देर में कर लूँगा? ऑब्वियसली मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ तो मुझे 7-8 घंटे लग जाएंगे, इवन कि गूगल मैप भी लगा लूँ तो मुझे 7-8 घंटे लाजमन लगेंगे या 5-6 घंटे लाजमन लगेंगे। लेकिन मेरे साथ अगर कोई ड्राइवर बैठ जाता है जो 7-8 दफ़ा 10 दफ़ा लाहौर आ चुका है, वो मुझे वही सफ़र 3 घंटे में करवा देगा, 4 घंटे में करवा देगा। तो आप जहाँ जा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ जो जा चुका है उससे कंसल्ट तो करके देखें। तो ये जो दूसरी आपकी चीज़ है स्ट्रेटजी वाली, इसके यही है कि जो आपको कह रहा है कि ऐसे करो, आप उससे कंसल्ट करें, उसको सुनकर खुद ही ना उस पर अप्लाई करना शुरू कर दें, एटलीस्ट उससे सीखें कि कैसे वो कर रहा है। इनका क्वेश्चन ये है कि जो मैं लेवल बताता हूँ वहाँ पर एक ही दफ़ा मार्केट आए तो उसे ट्रेड करना है, या दूसरी दफ़ा आती है तो भी उसे ट्रेड किया जाए कि ना किया जाए? एक ही दफ़ा उसे ट्रेड करना है, क्योंकि जब मार्केट मूव ऑन कर चुकी होती है तो उसके सर्कमस्टांसेस, उसके लिक्विडिटी लेवल्स, उसका वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो चुका होता है। जब दूसरी दफ़ा भी बाद काम कर जाते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइस यही है कि एक ही दफ़ा उस पर काम करें।